सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बताया कि कंपार्टमेंट एग्जाम के ऊपर एक न्यू PIL फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो थर्ड PIL है कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल करवाने के लिए। वैसे कहे जो PIL फाइल हुई है वो कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल करवाने के लिए नहीं हुई है, वो PIL इसलिए फाइल हुई है कि जो बच्चों के एडमिशन रुके हुए कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, तो एडमिशन की डेट बंद होने वाली है और रिजल्ट पता नहीं कंपार्टमेंट का कब तक आएगा, कब तक एग्जाम होगे। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट से है उसमें बच्चों ने यही अपील करी है कि या तो हमारे एग्जाम को कैंसिल कर दो या फिर हमारे एडमिशन ओपन रखे कॉलेज, हमारे लिए कॉलेज और स्कूल के एडमिशन ओपन रखे। तो ये अपील करी है सुप्रीम कोर्ट से जो सीबीएसई कंपार्टमेंट स्टूडेंट है, उन्होंने ये अपील करी है। उन्होंने सिंपली दो डिमांड रखी, या तो हमारे एडमिशन करवाओ, मतलब एडमिशन ओपन रखो, हमारे रिजल्ट नहीं आया तब तक, कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट ना आए तब तक हमारे एडमिशन ओपन रखो कॉलेज और स्कूल के, या फिर जो कंपार्टमेंट एग्जाम है उनको कैंसिल कर दो। ये दो डिमांड रखी है। इसके ऊपर गाइस अब सुनवाई होने वाली है, अब इसके ऊपर एक्शन शायद कल हो सकता है, कल शायद डेट आ सकती है। वैसे गाइस ये केस एक्सेप्ट तो कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अब इसकी डेट या तो मंडे को होगी मतलब कल, या फिर ये हो सकता है कि शायद 3rd या 4th सितंबर को हो सकती है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। अगर कल फैसला आ जाता है तो गाइस कल हो जाएगा कंफर्म, अगर कल नहीं तो 4 सितंबर को आ जाएगी कंफर्म इन्फॉर्मेशन। जैसे गाइस कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं गाइस आप सभी को वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक आप सभी को इतना ही करना है, इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करना जिससे उनको भी अगर ये इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता तो उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और गाइज आप सभी को मैं इतना ही कहूँगा, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रखो, क्योंकि गाइज कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल होने वाले होंगे तो हो जाएंगे, नहीं होने होंगे तो नहीं होंगे। आप अपनी स्टडी पर भी पूरी प्रिपेयर रखो, क्योंकि गाइज कभी भी CBSE डेट शीट जारी कर सकती है, कभी भी एडमिट कार्ड जारी कर सकती है और उसके बाद में आपके एग्जाम देने का टाइम आ जाएगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा स्टडी को कंटिन्यू रखो, कोई भी डाउट हो फ्रीली मुझसे कॉन्टैक्ट करो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर शेयर करो। और गाइज अगर मैं आपकी कॉल पिक नहीं कर पाता कहीं किसी भी कारण से तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा @gpadvice अकाउंट है, वहाँ पे मैं आपके जो भी डाउट है उनको सॉल्व कर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सुनकर फिर सेफ रहो।